नमस्कार और आप देख रहे हैं पलटा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश में अगर कोई खनन पट्टाधारक सहमति पत्र जारी होने की तिथि से 12 महीने के भीतर पर्यावरण संबंधी स्वीकृति और संचालन में सहमति हासिल नहीं कर पाया तो उसे पहले 6 महीनों के लिए वो अब वार्षिक बोली राशि का 1%, जबकि अगले 6 महीनों के लिए प्रत्येक माह के लिए वार्षिक बोली का 2% देना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे ठेकेदारों के लिए देय राशि पर 12% वार्षिक दर से ब्याज भी देना होगा, जो कि ठेका शुरू होने की तिथि से लागू हो जाएगा। हालांकि ब्याज की कुल राशि की देय में 50% से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा ठेके की अवधि नहीं बदलेगी, यानी अवधि शुरू होने की तिथि में वही रहेगी जो कि समय पर निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में खनन ठेकेदार अनुबंधों को निष्पादित नहीं कर सके और खानों का संचालन नहीं कर सके हैं, ऐसे मामलों में नीलामी के समय में जमा करवाई गई प्रारंभिक सिक्योरिटी राशि जब्त करते हुए रद्द भी किया जाएगा। बोली राशि का 15% राशि तथा विभाग द्वारा मांगी गई किसी भी तरह की अन्य राशि माफ कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर खनन ठेका के आधार पर छोड़ने या सरेंडर करने की मांग की गई थी तो खान क्षेत्र में आरक्षित वन, अरावली परियोजना, वृक्षारोपण जिसके अंदर पाए जाने वाले 50% से कम अगर पाया गया है तो ऐसे मामलों में ठेका समाप्त माना जाएगा और किसी भी पक्ष में कोई देयता नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रस्तावित उत्पादन के 50% से कम उत्पादन के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त होने की स्थिति में ठेका समाप्त माना जाएगा, किसी भी पक्ष की ओर से कोई भी देयता नहीं होगी। जिन विषयों में पर्यावरण मंजूरी की स्थापना संचालन की सहमति से इनकार कर दिया गया था ऐसे मामलों में भी ठेका समाप्त ही माना जाएगा। पल पल चंडीगढ़ से खास रिपोर्ट।